सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बदलते दौर के साथ साथ दुनिया भर में लोगों का राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। इस बात के गवाह हैं हाल ही में हुए ट्रंप के खिलाफ अनगिनत प्रदर्शन। एक के बाद एक प्रदर्शन इस ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका और पूरा पक्ष ट्रंप से कितना नाखुश है। लेकिन अब तो आलम यह है कि अमेरिका के साथ साथ ट्रंप का पेरिस में भी विरोध हो रहा है। दरअसल 11 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांस की राजधानी में थे। वो वहां प्रथम विश्व युद्ध की 100वीं वर्षी पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बुलावे पर गए थे, जहां ट्रंप के साथ साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए सवाल किए कि इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को न्योता क्यों दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने आखिर दुनिया के हित में किया ही क्या है। ट्रंप के खिलाफ विरोध। प्रदर्शनकारियों ने 20 फुट ऊंचा बेबी ट्रंप नाम का केसरिया गुब्बारा हवा में लहराकर जाहिर किया। आपको बता दें कि 11 नवंबर 1918 को पहले विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की 100वीं वर्षी के इस मौके पर पुतिन, एंजेला मर्केल सहित कई प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद थे।